पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अंतिम चरण में उन्हें यह बिहार की याद आई। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा भारत बिहार सहित ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे, और स्वाभाविक है कि बिहार की 40 सीटें हम सबों ने देने का संकल्प भी लिया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासत जारी है। अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतिम चरण में राहुल गांधी को बिहार की याद आई है, बिहार वासियों की याद आई है, बिहार की जनता जानती है कि उन्हें क्या करना है। इसी के साथ साथ जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी पर और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितना भी बिहार दौरा कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए के खाते में 40 की 40 सीटें आनी है, इसका बड़ा दावा करते हुए नजर आए तारकिशोर प्रसाद। तो इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, पहले आप पूरा बयान सुने। देखिये, राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अंतिम चरण में उन्हें यह बिहार की याद आई। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा भारत बिहार सहित ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे, और स्वाभाविक है कि बिहार की 40 सीटें हम सबों ने देने का संकल्प भी लिया है, और उस ओर हम तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं और हम सब 400 के पार की ओर आगे अग्रसर हैं। इसलिए अब राहुल गांधी जी बिहार आवे न आवे उसका कोई राजनीतिक लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं कि अब तुरंत उनको गर्मी की छुट्टी में भी जाना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहे सभी 365 दिन काम करना है, तो एक बहुत मौलिक अंतर है। इसलिए उसे कोई फर्क ना बिहार के मतदाताओं पर पड़ने वाला है ना देश की राजनीति पर पड़ने वाला। प्रधानमंत्री के लड्डू वाले बयान पर लालू यादव की बेटी कह रही है कि जीतेगा महागठबंधन और बीजेपी के लड्डू खाएंगे सब लोग। नहीं, देखिए, पहले वो अपनी सीट की चिंता करें, वो लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। वो पूरे हिंदुस्तान की बात वो लोग करने लगती हैं, और वो ऐसे पार्टी की उम्मीदवार है जिसने पिछले लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाया, और वो अब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती हैं, पूरे देश की राजनीति पर बात करती है, पहले वो अपनी सीट बचाने की चिंता करे ना। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि ये गुजरात के मुस्लिम हैं ओबीसी जिनको पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला है, और तेजस्वी कह रहे हैं कि आरक्षण संविधान कहता है कि आधार जो है वो धर्म के। देखिए, चुनाव के समय बहुत सारी चीजें याद आने लगी, और पूर्व में जिस प्रकार से मुसलमानों को आरक्षण देंगे और जो कई बातें ये लोग कहा करते थे, और धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ पलटने लगी तो अब वो बयान में सुधार कर रहे हैं। लेकिन उनको बता दीजिएगा कि वो काफ़ी देर हो गया, बिहार की जनता और भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतिम चरण में राहुल गांधी को बिहार की याद आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बिहार में छठे चरण की चुनाव जो है वो समाप्त हो चुकी है, मतदान हो चुकी है, अब बारी है सातवें चरण की जो कि 1 जून को होनी है। ऐसे में राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए हैं जिसको लेकर भी सियासत जारी है। इस कड़ी में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, और क्या कुछ कहा सुना आपने। इसी के साथ साथ आरजेडी पर भी जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, पिछले लोकसभा चुनाव में खाते तक नहीं खोल पाई थी आरजेडी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तारकिशोर प्रसाद, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।